जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज मैं ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ ना कि यूपी पुलिस में आपको एक क्वेश्चन तो मिलना है, 100% तय है। और वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 15-20। अगर मैं आपको 15-20 नाम बताऊं और मैं कह दूं एक क्वेश्चन उसमें से आएगा, क्या आप लोग याद नहीं करोगे? याद करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और फिर इस पर अगर आया तो आपकी शिफ्ट में आ गया तो आप लोग पछताओगे। वीडियो पूरा देखना और अच्छे से मैं याद करा दूंगा इसी क्लास में, ठीक है? जीके मैंने कहा है आपसे 30+ में लेके जाऊंगा, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा कि जीके आपकी 30+ करवा दूंगा। टेंशन ना लो आप इस चीज की, ठीक है? बिल्कुल, आपको जीके में हिस्ट्री से लेके सब कुछ पढ़ाऊंगा, जीएस करंट सब पढ़ाऊंगा। अभी बहुत टाइम है, थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे पढ़ाई करो, अभी ज्यादा एकदम प्रेशर मत लो, अभी बहुत टाइम बाकी है। और अभी मैं आपको आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, ठीक है ना? प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, एवं उनके अध्यक्ष। अब दोस्तों ज्यादा समितियां नहीं है, बस 8-10 समितियां हैं, और याद कर लो अच्छे से। पहली दोस्तों तो समिति क्या है, संचालन समिति, संचालन समिति। और संचालन समिति के दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र, अभी क्लास में ही याद करा दूंगा, टेंशन ना लो, जैसे हर रोज कराता हूँ ना। यहाँ पर अध्यक्ष डाल लो, नोट्स बना लो। मेरे नोट्स क्या है, मेरे नोट्स से एक आप पर्सनल कॉपी बना लो जीके की। मैं कह रहा हूँ आज जीके की एक पर्सनल कॉपी बना लो बहुत अच्छी सी, और उस पर डाल दो कि राज सर की क्लास या राज यूपीपी जॉब, ठीक है? और जो मैं टॉपिक बताता हूँ एक क्लास में 20 मिनट की टॉपिक होती है, और एक ही आपके पेज में आ भी जाएगा, तो एक पेज में मेरी जितनी बातें हैं सब नोट कर लो। नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, 6 महीने के बाद देखना जीके के नोट्स इतने टॉप के बन जाएंगे ना, फिर कहोगे अरे वाह जीके टॉप, मेरे इतने अच्छे नोट्स बन गए हैं कि मैं 30+ ऐसे ले आया। जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे के आओ और जब मेरी क्लास के जितने नोट्स पढ़ के जाना, फिर कहोगे कि सर आपकी ही जीके सब फंसी है। देखो दोस्तों क्या है, बड़े चैनल सब पढ़ाएंगे, मुझे पता है A to Z वो पढ़ाएंगे, उनका तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है, लेकिन जो मैं फैक्ट है और जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पहले मैं वो आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है? तो संचालन समिति के अध्यक्ष हैं भैया, यहाँ समिति डाल लो, ठीक है? ऐसे नोट्स बना लो, करना ही क्या है यार, बहुत इजी है सब। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ही थे डॉक्टर साहब, यहाँ पर याद रखो सबसे पहले डॉक्टर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर की बात करें के इंडिया में तो कहना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी जान रहे डॉक्टर थे, और इन्होंने ही संचालन यानी इन्होंने ही चालान चाल चालन किया था दवाइयों का, यानी कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, इन्होंने ही संचालन किया था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही संचालन किया था, ठीक है? दवाइयों का दवा देना इन्होंने ही चालन किया था, इन्होंने ही स्टार्ट किया था, यानी कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरी समिति दोस्तों, मैं इसलिए ये ऐसे हिसाब से पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको मानो संचालन समिति आ गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, दो नाम और दे दिए, कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं है तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब ऐसे जान दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके समिति, अरे यार इन्होंने संचालन किया था, दवाई सर ने बताया था कि दवाई दवाई सबसे पहले इन्होंने चलवाई थी, यानी संचालन स्टार्ट की थी, तो ध्यान आ जाएगा, फटाक से लगाओगे। दूसरा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और इसके दोस्तों अगर बात करें संघ संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, संघ संधि, संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान यानी कि संविधान को संघ लेके कौन चला, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पंडित जी हमारे, जवाहरलाल नेहरू थे पंडित जी, उन्होंने भैया संघ संविधान के संघ रहे, बिल्कुल, यानी संविधान के संघ कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब आप पंडित जी थे तो सबसे आगे रहेंगे, यानी कि संविधान के संघ तो इनको रहना ही रहना था, पूजा पाठ के लिए है ना, तो भैया पंडित जी जवाहरलाल नेहरू अपने संविधान के संघ रहे, ठीक है ना? संविधान के संघ यानी संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, यानी संघ संविधान जहां दिख जाए वहां पंडित जी जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे आपके, कन्फर्म हुआ? याद कर लो, क्लास में प्रैक्टिस करते जाना दोस्तों, लिख के ले लो, ऐसे लिखना और आगे लिख लेना नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ, कि तो पंडित जी साथ रहेंगे, संघ संविधान, संविधान के साथ रहेंगे, संघ रहेंगे। 6 महीने बाद जब एग्जाम होगा ना आपका, जनवरी में एग्जाम होगा आपका, दिसंबर या जनवरी की तरफ, तब कहोगे यार ये तो मुझे अब भी याद है। क्लास जब होगी ना सब रिवीजन एक ही दिन में सब कर डालोगे, 102 दिन में मेरी सब क्लासें जितनी होगी सब रिवीजन कर लोगे और अच्छे नंबर्स लेके आओगे। याद रखना जो अभी से जुड़ा हुआ है ना, जो नोट्स बना रहा उसको तो कहीं ना कहीं 100% फायदा मिलने वाला है मेरी क्लास से। तीसरा, क्योंकि वो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ जो फालतू का हो, ठीक है? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान
समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और इसके बाद क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो प्रांतीय संविधान, पूरे प्रांत के एक कोई सरदार होता है, ठीक है, प्रांत का एक सरदार होता है। जैसे कि पहले नहीं सुना अकबर, बाबर, हुमायूं, तो उसी तरह एक प्रांत के हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सरदार थे, यानी वल्लभ भाई पटेल भी हमारे सरदार थे। किसके? प्रांत के, यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां पर प्रांतीय दिख जाए, प्रांतीय संविधान, वहां पर सरदार भाई। याद रखो कि एक प्रांत के सरदार भी होने चाहिए, यानी कि प्रांत के सरदार हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हुआ? चौथा दोस्तों, जीके ऐसी पढ़ी जाती है, आज तक आपको जीके कभी याद नहीं होती, किसी को नहीं याद होती है, लेकिन अगर इस हिसाब से पढ़ोगे, मैं कहता हूँ गलत करके नहीं आप आओगे, हमेशा सही करके आओगे क्वेश्चन, ठीक है, 100% सही करोगे। संघ संगति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। अब इसके दोस्तों बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू। अब दोस्तों फिर आ गई संघ शक्ति। अब पहले थे जवाहरलाल नेहरू हमारे संघ संविधान के, तो भैया ये संघ ही रहे, ये संघ संविधान के रहे, और उन्होंने शक्ति भी इनके ही पास थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान के जब संघ रहे तो इन्होंने संघ शक्ति भी इनके पास थी, यानी कि ये शक्ति के भी साथ रहे, संविधान के संघ रहे वो भी शक्ति के साथ। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू अपने संविधान के जब साथ रहे, यानी संघ रहे, तब ये एक शक्ति अपनी, इनके अंदर शक्ति थी तभी तो ये साथ रहे ना, तो इनके अंदर शक्ति भी थी तभी ये संविधान के साथ थे। यानी संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, 100% लिख के ले लो आज मेरी, और बात लिख के ले लो, और 6 महीने बाद देखना क्या हो रहा है, ठीक है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, उस हिसाब की मैं क्लास ही नहीं लेता हूँ जो फर्जी की क्लास हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। प्रारूप समिति, भैया संविधान का एक कोई प्रारूप था, ठीक है ना, आप सभी लोग पता है कि संविधान की समितियां चल रही हैं, तो समिति प्रारूप, इन्होंने प्रारूप दिया है संविधान को, इन्होंने पूरा, आपको पता है संविधान लिखा है, तो इन्होंने प्रारूप पूरा दिया है, यानी प्रूव किया कि मैं संविधान लिख सकता हूँ, यानी कि प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको इन्होंने प्रूव किया कि मैं संविधान मैंने ही लिखा है, ठीक है ना, इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि संविधान मैंने ही लिखा है। तो जहां पर प्रारूप की बात आ जाए, प्रूफ याद रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रूव करके दिखाया था कि प्रारूप समिति मैं ही कर सकता हूँ, प्रारूप संविधान को प्रारूप करके इन्होंने बताया, ठीक है। छठा, एक बार कैमरा देख लूँ, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। छठी, बस थोड़ी और समिति बची है, ये देखो इंपॉर्टेंट, तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति, सॉरी यार इंडा हो गया, झंडा झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति। और इसके दोस्तों अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा, भाई जब इन्होंने दवाई देना स्टार्ट किया तभी इन्होंने झंडा भी फहराया, ठीक है ना। झंडा हमारे कौन फहराएंगे? राजेंद्र भैया, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र साहब हमारे झंडा, इन्होंने तदर्थ झंडा समिति यानी तदर्थ इन्होंने संचालन किया समिति का, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उसके साथ साथ तभी इन्होंने झंडा भी फैलाया, संचालन के साथ साथ संचालन तथा झंडा, संचालन तथा झंडा किसने स्टार्ट किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन करके इन्होंने झंडा फैलाया, संचालन तथा झंडा यानी संचालन तदर्थ झंडा, इनके राजेंद्र प्रसाद की ही दोनों है, याद कर लो दोस्तों, लिख के ले लो, एक नंबर आना है 100%, फिर बाद में मत कहना कि पढ़ाया ही नहीं गया है ना। वित्तीय एवं स्टाफ समिति, वित्तीय एवं स्टाफ समिति, वित्तीय एवं स्टाफ समिति की दोस्तों बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों वित्तीय संघ से स्टाफ समिति, दोस्तों इनकी तो लिख लो एक जगह, इनकी एक साथ लिख लेना कि संचालन के साथ साथ इन्होंने झंडा भी फैलाया था तभी इनको वित्तीय में भी बहुत फायदा हुआ, यानी कि वित्तीय स्टाफ, यानी कि वित्तीय आप जान रहे हो पैसा, इन्होंने संचालन किया
संचालन समिति का, ठीक है, जब इन्होंने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने झंडा फहराया, फिर उनको वित्तीय लाभ हुआ है। वित्तीय यानी कि पैसा, पहले उन्होंने संचालन किया किसी चीज का, यानी कि अपनी डॉक्टर की दुकान की संचालन किया, उसके बाद उन्होंने झंडा फहराया अपनी कि मेरी दुकान चल गई, मेरा झंडा फहर गया, फिर उनको पैसे ही पैसे प्रॉफिट हुए, यानी कि वित्तीय वित्तीय एवं स्टाफ समिति, यानी कि वित्तीय। जब इन्होंने संचालन किया, फिर उन्होंने तथा झंडा भी फहराया, फिर उसके बाद वित्तीय एवं स्टाफ समिति, यानी कि वित्तीय फायदा भी हुआ। तीनों याद कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और इनके अभी एक और आएंगे मेरे हिसाब से, इनके चार हैं दोस्तों, ठीक है ना। कहो तो वो भी मैं लिखा ही दूं, स्टार्ट अभी लिखा दूं तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, है ना। आठवां लिख ही लो, यहाँ पर जगह भी है अभी। आठवां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, इनका एक नियम था, प्रक्रिया बोले तो नियम, संचालन किया इन्होंने, झंडा फहराया इन्होंने, पैसे इन्हें मिले वित्तीय प्रकार से, तब इनको क्यों मिले, इन्होंने कहा एक नियम था दोस्तों, प्रक्रिया नियम, यानी इन्होंने एक नियम बना रखा था कि मैंने स्टार्ट जब किया है तो मैंने झंडा भी फहराया, मुझे वित्तीय मिलना चाहिए, यानी मुझे पैसा भी मिला, तो मेरा एक पूरा नियम था। इन्होंने चार दिए और चारों के चारों याद कर लो, इनसे ही क्वेश्चन आता है बहुत जल्दी, और ये तदर्भ वाला आईएमपी है, ठीक है ना, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। अब आठों के आठों लिख लो कॉपी पर और अच्छे से लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लास दोस्तों ऐसी दूंगा कि आपके क्वेश्चन में 100% फंसाऊंगा जीके में, इस बार जीके मैंने ठाना है कि आपको 30+ लेके जाना है, ठीक है ना। जीके सबकी बहुत ज्यादा वीक है, किसी के 10 क्वेश्चन आएंगे फाइनल में, किसी के 12 क्वेश्चन, मुझे पता है कि दोस्तों जीके में 10-12 ही क्वेश्चन आएंगे ना, काट पीट के 15-16 सही कर पाओगे और 4-5 कट जाएंगे, और फिर बचेगा क्या, वो 10-11 क्वेश्चन बचेंगे, यही होता है अधिकतर, देख लेना। और ना मानो अभी देख लेना, जो जो लोग अगर सिलेक्ट नहीं हो पाए वो जीके में ही रह जाएंगे, अगर जीके के यहाँ क्लास लोगे अच्छे से, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, जो बिल्कुल कमजोर होगा अच्छे से क्लास लेगा 25+ वो भी करके आएगा, वरना मान के चलो 30+ होने वाले हैं जीके आपके, ठीक है। बस लास्ट तक बने रहना जीके में, और मैं जीके कोई ऐसे टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो जीके आपको पढ़ाऊंगा नहीं, और 100% फंसाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दोस्तों जो कि बिल्कुल हल्का वाला हो, जैसे कि मैं पढ़ा दूं कोई और चीज, पूरा इतिहास रटा दूं, पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतिहास भी जब पढ़ाऊंगा ना 2-3 क्लासों में खत्म कर दूंगा पूरा इतिहास, और इतिहास में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मुझे पता है दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आने वाला है इतिहास का इस बार। मूल अधिकार, मूल अधिकार ये हमारे 9वें नंबर के है ना। एक तो दोस्तों रिफिल नहीं चल रही है, क्या रेड पेन रेड से पढ़ा दूं या रिफिल डालनी पड़ेगी, एक मिनट रुको, थोड़ा सा रेड से पढ़ लो, कल अभी थोड़ा इसमें देर में मैं भर दूंगा रिफिल, है ना, अभी भरूंगा तो क्लास आपकी हर्ज होगी, रेड से भी दिख जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे से लिख दूंगा 9 नंबर, ठीक है ना। मूल अधिकार उपसमिति, मूल अधिकार उपसमिति, मूल अधिकार उपसमिति, और इसके दोस्तों हैं जेबी कृपलानी, जेबी कृपा कृपलानी, कृपलानी जेपी कृपलानी, ठीक है ना दोस्तों। मूल अधिकार उपसमिति, मूल अधिकार भैया जेबी कृपलानी, इनकी कृपा हुई भैया, जेबी की कृपा हुई क्योंकि इनको मूल अधिकार मिले हुए थे, जेबी पे तो कृपा थी, यानी जेबी कृपा को अधिकार था, किसका, मूल अधिकार का, जेबी कृपा को अधिकार था मूल अधिकार का, ठीक है, लिख के ले लो दोस्तों। अल्पसंख्यक उपसमिति, 10वां अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक दोस्तों समिति, ये भी उपसमिति है, उपसमिति भी याद रखना है ना, पहली बात वो तो कुछ भी आए पीछे आपको कोई इससे दिक्कत ही नहीं होगी कि उपसमिति आए या समिति आए, मतलब कि आप तो इतना जानो बस, अल्पसंख्यक मूल अधिकार अल्पसंख्यक। अब आप लिखो दोस्तों एचसी मुखर्जी, एचसी एचसी ऐसे लिख लो एचसी, ठीक है ना, एचसी मुखर्जी। अब इसको देखो कितना याद कराऊं, अपनी रानी मुखर्जी है ना एक हीरोइन बहुत अच्छी, अल्पसंख्यक भैया वो अल्पसंख्यक की बहुत ज्यादा प्यारी थी, मतलब बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक लोगों से प्यार करती थी, कौन, रानी मुखर्जी, या ऐसे याद रखो कि रानी मुखर्जी कौन थी, अल्पसंख्यक, आपको याद आ जाएगा कि रानी मुखर्जी जो अपनी बॉलीवुड की हीरोइन है वो एक अल्पसंख्यक थी, याद करने के लिए कुछ भी बना लो, अल्पसंख्यक थी कौन, रानी मुखर्जी। देखो पर्सनल जब क्वेश्चन बनाओगे ना कहीं से आपको याद आ ही जाएगा, अगर डायरेक्ट पढ़ के जाओगे ना सब रट्टा मार के तो भूल सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, जब याद रखोगे वहां
अरे यार अल्पसंख्यक इसके कौन है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्पसंख्यक जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी है या जेबी कृपलानी है या फिर मुखर्जी है, तब याद आओगे अरे रानी मुखर्जी ये तो अल्पसंख्यक थी ना, सर ने बताया था अल्पसंख्यक है रानी मुखर्जी। लो अरे रानी मुखर्जी टिक मारोगे ना, और फिर जब लिस्ट आएगी यूपी पुलिस फाइनल की उसमें आपका नाम सिलेक्ट होगा तब कहोगे खुशी फिर जाहिर होगी आपकी। कार्य संचालन समिति, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कार्य संचालन समिति, और याद रखना जीके लोग हर जगह ढूंढ लेंगे, ऐसी जीके आपको मिलनी नहीं जल्दी से, है ना। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर कितना अच्छा है, डॉक्टर के एम मुंशी। और देखो कितने बढ़िया बात बताऊं, कार्य संचालन, कार्य संचालन भैया कार्य को कौन देखता है, मुंशी जी। हमारे मुंशी एक काम को देखने के लिए, मानो कोई एक वो ठेके पे काम होता है, आपने देखा वो एक मुंशी तो होता है ना ठेकेदार का, ठेकेदार का दोस्तों एक मुंशी होता है, यानी कि मुंशी होता है जो कार्य को देखता है, यानी कि कार्य संचालन समिति के मुंशी, जहां भी कार्य संचालन समिति दिख जाए वहां पर मुंशी जी होंगे। और डॉक्टर के एम मुंशी याद रखना, डॉक्टर के एम मुंशी, मुंशी एक ही देंगे ऑप्शन, वो इस हिसाब नहीं देंगे कि चारों मुंशी ही रखते, कहाँ से लाएंगे मुंशी नहीं लाएंगे, चारों इतना ज्यादा बोलो कंफ्यूज नहीं करते यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। तो मुंशी जी आएंगे, टिक मार देना कि कार्य भैया यही देखेंगे हमारे मुंशी जी। और दोस्तों बचा है आवास समिति, आवास समिति जी के जितनी मैं क्लास दूंगा 6 महीने के अंदर ना, और 6 महीने में एग्जाम भी हो जाएगा, उत्ता कहोगे सर मजा ही आ गया अब तो, बस और कुछ पढ़ना ही नहीं है। बी पट्टावी सीतारमैया, वाह भैया वाह, बी पट्टामी सीता रमैया, बी पट्टामी सीता रमैया, भैया आवास किसको मिला, सीता रमैया को। मैया हमारी सीता मैया कहाँ रहती थी, एक आवास में रहती थी, ठीक है ना। याद रख लो कि हमारी सीता मैया के पास बहुत अच्छा आवास था। अब याद रख लो कि सब कहानी भूल जाओ, सीता मैया के पास हमारे बहुत अच्छा आवास था, महल था, ऐसे रख लो याद कि सीता मैया के पास हमारे एक बहुत अच्छा आवास था, यानी कि बहुत अच्छा आवास था सीता मैया, यानी कि बी पट्टामी सीतारमैया, सीतारमैया के पास हमारे बहुत अच्छा आवास था। दोस्तों प्रैक्टिस इतनी अच्छे करके जाना कि ये क्वेश्चन भूल ना पाओ आप कभी भी लाइफ में। सर्वोच्च न्यायालय समिति लास्ट, दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय समिति, कंफ्यूज ना रहो बिल्कुल भी, नहीं तो आप उल्टा सीधा मेरे तरह लिख लो। सर्वोच्च न्यायालय समिति, आप लोग गलत ना करो, मैं तो लिख दूं बोर्ड पे गलत चल जाएगा, एक घर है ना। एस बारदा चारियार, एस वारदा चारियार, एस बारदाचारियार, भाई सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक समिति थी, सर्वोच्च न्यायालय यानी सबसे बड़ी समिति इसी को मान लो, सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय में कौन बैठते थे, एस बारदाचारियार, यानी कि बहुत बैठते थे, बहुत बातें होती थी, चरर 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 चरर, सर्वोच्च न्यायालय में होता है भैया क्या, सिर्फ बातें, चरर चरर, है ना, बारदाचारियार, सर्वोच्च न्यायालय में बारदाचारियार। तो दोस्तों हमारे ये टॉपिक हो चुका है खत्म अब, ठीक है। अब इस टॉपिक से दोस्तों एक क्वेश्चन यूपीएसआई में भी आया है और एक क्वेश्चन आपके आने की भी बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, टेंशन ना लो, क्लास ऐसी दूंगा ना जितनी भी दूंगा यूपी पुलिस जीके के लिए। देखो अभी क्या क्या बाकी है, यूपी पुलिस जीके, यूपी पुलिस जीएस करेंट और यूपीपी स्पेशल, जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे सब कराऊंगा, इसमें से जितने भी तक टॉपिक पढ़ाए सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा, सबसे आएगा और फंसेगा जन जी के पढ़ाया हुआ, तो दोस्तों 37 में से 37 फंसा दूंगा, बस याद रखना। 7 ना फंसे, मैं कह रहा 30 फंस गए और 30 में से आपको कतई याद ना रहे, 26-27 भी याद रहे तो समझो मेहनत सफल हो गई आपकी, और जीके में इतना स्कोर करने का मतलब है टॉप पे आपका नाम होगा, बिल्कुल टॉप पे, फाइनल मेरिट की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सबसे 10 नंबर आगे जाओगे आप। जहां लोग लाएंगे सिर्फ 12 से 13 जीके में, 15 तक लाएंगे आप, वहीं पर 25+ जाएंगे या 30+ जाएंगे। अधिकतर लोग नॉर्मल भी जो अच्छे पढ़ने में वो 20 तक लाएंगे, जो नॉर्मल है वो 15 लाएंगे, जो कमजोर है वो 10 लाएंगे, इतना मैं आपको बता दूं क्लियर, ठीक है। और जो एक्सीलेंट होते हैं वो 25 लाते हैं, जो और एक्सीलेंट होते हैं वो 30 लाते हैं, इतना मान के चलो। और आपको क्या बनना है, और एक्सीलेंट। कट ऑफ देखो दोस्तों क्या है,
इस बार क्या बोलते हैं कंपटीशन हाई है, आप सभी को पता है वैकेंसी जितनी आएगी कंपटीशन तो होने वाली है बहुत अच्छी सी, नॉर्मलाइजेशन का भी खेल बहुत तगड़ा रहेगा। लेकिन आप लोग कमजोर क्यों रहो जब आपके लिए हम आपके साथ हैं, जीके आपकी देखो कमजोर होगी, जीके मैं पढ़ा रहा हूँ। और देखो मैथ की क्लास आप लोग ज्यादा भाई फोर्स मत करो, देखो मैं अकेला हूँ, आप सभी को पता है ड्यूटी भी जाना है। मैथ ना मैथ आप लोग अंकित भाटी सर से पढ़ लीजिए, उनकी सब फ्री में वीडियो यूट्यूब पर पढ़ी है, मैंने बताया है उनसे ही, मैंने भी पढ़ा था, आप लोग मैथ उनसे पढ़ लो। हालांकि ट्रिक मैं भी बताऊंगा, अभी टाइम है मुझे टाइम मिलने तो मैं क्लास मैथ की भी लूंगा, हर एक चैप्टर की लूंगा, जो जो ट्रिक होगा मैं बताऊंगा। जैसे कि रीजनिंग की अब तक दो क्लासें ले चुका हूँ भाई, है कि 30-40 क्लास लेनी है, 30-40 क्लास में 30-40 चैप्टर में निपटा दूंगा। बुलेट रिलेशन जिसने ना देखा हो, समझाने का तरीका मैंने बता दिया है, और एक उसकी कोडिंग डिकोडिंग इतनी अच्छी वीडियो बनाई है कि लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो और क्या है यार, बस अब बाकी ऊपर से आप अपनी प्रैक्टिस करते जाइए। वो तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पढ़ना कैसे है, बात ये है मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पढ़ना कैसे है, अब वो तो आपके ऊपर है आप पढ़ते कितना हो, है ना, प्रैक्टिस कितना करते हो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपकी सिलेक्शन उतनी ही आपके पास होगा, ठीक है ना। 100% जॉब पाने के लिए दोस्तों आपको आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो मैं पढ़ा दिया हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको याद कितना होता है। अब मैं बताऊँ, जब मैं एग्जिट पोल लगाता हूँ तो उसमें से आज बताओ, आज जब मैंने एक राग दरबारी किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, लोग पता है उसमें क्या लगा, हरिवंश राय बच्चन को 60% तकरीबन वोट मिले हैं, और जबकि उसके जो ओरिजिनल है राग दरबारी उनको सिर्फ मिले हैं 30-32%। अब सोचो 30-32% हैं लोग जिन्होंने अच्छा दिया है आंसर राग दरबारी के, श्रीलाल शुक्ल का आंसर दिया है, तो वो उनकी लेवल क्लास की क्या होगी, यानी उनकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। और उसमें से कम नहीं, मेरे हिसाब से 99% क्लास जिसने लिए उन्होंने जवाब दिए हैं। और उसमें एक लोग ने लिखा भी है, एक कमेंट मैंने देखा है पर मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, कि सर श्रीलाल शुक्ल आपके टीचर थे आईटीआई के, यानी कि कल उसने मेरी क्लास बहुत अच्छे से बंदन देखी है, या जो भी फीमेल या मेल जिसने भी मेरा जवाब ये दिया कमेंट का, यानी उसने क्लास मेरी बहुत अच्छी देखी है, इसलिए उसने बंदन ये बता पाया कि सर आपके आईटीआई के सर थे जो आपके राग दरबारी थे, यानी श्रीलाल शुक्ल। आप बताओ ऐसे ही लोग जॉब पाते हैं, ठीक है ना। मैं देखता हूँ कमेंट, आप लोग बुरा मत मानना, मैं सबके कमेंट देखता हूँ बहुत अच्छे बारीक से देखता हूँ, कुछ फीमेल के कुछ मेल के, मैं सभी के देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लगते हैं। जब कोई बंदा जवाब देता है, अच्छा जवाब देता है, उसे पता होता है, तुक्का नहीं मारता है, अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। और उसका तो अक्षरधाम दिल्ली, उसमें तो 83% लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर राग दरबारी सुधार लो दोस्तों, अभी भी एग्जिट पोल में अब बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी अभी देखना एग्जिट पोल में कितने लोग गलत करते हैं, मात्र 30-32 वोट यार राग दरबारी यानी श्रीलाल शुक्ल। और यही क्वेश्चन अभी आया भी था शायद UPSI में, यही क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ गया, तो बस सब रख रहे जाएंगे आप 32% का सिलेक्शन, यही होता है, बस पढ़ने का तरीका बस यही होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद, बने रहो दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करो, जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव आ पाए, है ना। मैं लाइव आ जाऊँ बहुत जल्दी से, आप लोगों का ही फायदा होगा, सुबह 5 बजे उठाया करूंगा फिर तो मैं, ठीक है, अलार्म लगा के आप लोगों का। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।